भाई साहब ये देखो भाई, मदुरा सैंडविच आ चुके हैं और आप देख सकते हो भाई भर के सैंडविच लग रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा वीडियो देखो एंड तक कि ये सैंडविचेस एक्चुअली में बनते कैसे हैं, कितने बजे शॉप खुलती है, सारी चीजें बताएंगे आपको वीडियो के अंदर। बने रहो वीडियो के एंड तक और शेयर करो उसके जिसको सैंडविच बहुत पसंद है और स्पेशली जो इंदौर से है। क्या बात है भाई, आज तो मतलब तहलका मचने वाला भाई। तो भैया जी इंदौर आए हैं और अगर सैंडविच नहीं खाया मधुराम सैंडविच का तो फिर फायदा क्या है, आप सिर्फ भीड़ देख लो लोगों की। इंजॉय कर रहे हैं हर एक बंदा यहाँ पे सैंडविच इंजॉय कर रहा है। और नंबर से मिलते हैं या नंबर से? नंबर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ अंदर और मिलाता हूँ आपको कि ये किसने स्टार्ट किया था, कितने साल हो गए और ये एक्चुअली में सैंडविच बनते कैसे है। तो ये देखो भाई साहब सैंडविच की तैयारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले सैंडविच के अंदर जो जान है वो है जी पनीर, और पनीर की कटिंग की जा रही है। और आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पनीर को कट किया जा रहा है। और आप खुद सोच सकते हो कि भाई कितनी ज्यादा डिमांड है यहाँ पर इस सैंडविच की, और एक ही तरीके का सैंडविच मिलता है। और भाई साहब मतलब लोग इतने बढ़िया तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो भाई मजेदार। पूरा का पूरा सैंडविच कैसे बनता है, क्या क्या चीजें डलती है, सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला स्टेप है ये एक्चुअली में जहां पर ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पनीर को कट किया जा रहा है। और पनीर तो भाई मेरा फेवरेट है। पहले इसके ऊपर लगे जा रही है, क्या लगा रहे भैया? कर्ड बेस, ये भी हमारा कर्ड बेस है सर, ये दही से। अच्छा, ये दही से बनता है, दही का जो इसको कपड़े में बांध। और मुझे एक्चुअली लगा कि आप तंदूरी मेयोनीज लगा रहे हो। सर तंदूरी मेयोनीज नहीं है सर, जो कर्ड बेस बनती है ना थोड़ा सा इसमें तंदूरी मिक्स करते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका टेक्सचर नहीं आ पाता, वाली जो तंदूरी बनती है उसका पानी अलग रह जाता है। हाँ, और ब्रेड में ऊपर ऊपर पनीर टिक्का में लगती है ना। समझ गया समझ गया समझ गया, जो अपना दही का बनता है वही। जी भाई समझ गया, सारे मसाले मसूले सब मिला के जो बनता है। तो भाई आप देख सकते हो भाई क्वांटिटी देखो, मैं कह रहा हूँ भाई क्वांटिटी के साथ साथ आप क्वालिटी भी देखो। देखो ना यार क्वालिटी, ये देखो ये स्टफिंग लग रही है। और जैसे मैं अगर बोलू ना कि अगर ये 100 रुपए ले रहे हैं तो भाई 90 रुपए माल लगा के दे रहे हैं। अगर आप खुद देखो कि क्या माल लग रहा है इसके अंदर, कॉर्न है, कैप्सिकम है, टमाटर है, प्याज है, सब कुछ है। छोटू वेजिटेबल ये देखो भाई, मतलब आते देख टोंगे भर के आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि डिमांड इतनी ज्यादा है और एक ही तरीके का सैंडविच मिलता है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि रेस्टोरेंट, अगर आप भी हिस्ट्री उठा के देख लो किसी भी रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट वही फेमस है जहां पर सिंगल पेज का मेन्यू होता है। यहाँ पर तो भाई क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पर तो एक ही मेन्यू है और उसके अंदर एक ही सैंडविच है और वो है ये इनका मजेदार। आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी बढ़िया है। ये आ गया भाई पनीर आपके सामने जो कटा था। टैग करो उस दोस्त को जिसको सैंडविचेस बहुत पसंद है एक्चुअली में, और वो बंदा यहाँ आके इसको खा सकता है। अगर इंदौर में रहता है वो तो उसे टैग करो उस दोस्त के, शेयर करो ये वीडियो जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है इसको ट्राई करने के लिए। दुकान सुबह 12 बजे खुलती है, रात के 11 बजे तक है, 7 डेज ओपन है, 365 दिन ओपन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये है कि कभी कभी हो सकता है आपको वेट करना पड़े, बट वेट करना यहाँ पे जायज है। सर लौंग, काली मिर्ची, जायफल, जावित्री, अच्छा जी, जो बड़ी इलायची होती है ना सर, उसका कुटा हुआ मसाला है। कुटा हुआ मसाला, गरम मसाला बना रखा आपने खुद का। हाँ जी, वो क्या होता है सर, उसमें पिसा था ना चक्कियां मील में, हाँ, उससे मसाला जल जाता है। ओके, फ्लेवर खत्म हो जाता है। कौन सा? ये वाला जीरा वाले सर फेमस, ये भी हमारा खुद का बनता है, इसके बिना तो स्ट्रीट फूड पूरा ही नहीं है यहाँ का। अच्छा जी, ये यहाँ का लोकल मसाला जी सर। भाई आएगी चीज, और चीज की बारिश होगी बढ़िया तरीके से, ताकि हर एक सैंडविच के अंदर आपको टेस्ट आए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं। वो सब चीजों का ध्यान रखा गया, परफेक्ट तरीके से बनता है, एकदम मजेदार चीज कि भाई अगर आप खाओगे ना आप बोलोगे यार एक और तो बनता है, बट मैं गारंटी देता हूँ आपका एक खा के पेट भर जाएगा। और दूसरी चीज, अभी जैसे कि कोई आया था ऑर्डर देने के लिए, उसने बोला 2 सैंडविच, तो सबसे अच्छी बात ये लगी भैया ने सबसे पहले उसे पूछा कितने बंदे हो, क्योंकि अगर बंदे कम हो तो 2 सैंडविच बहुत ज्यादा। डबल बोला क्या है, देखिए हम दे रहे हैं बाजार से डबल, हाँ वो एक्सपेक्ट करता रहता है। सही में तो वही लग रहा है छोटा सैंडविच, दो बंदे 2 सैंडविच खाएंगे वो लग रहा है। आपको बताना है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा अलग है, तो आप पहले एक बार देख लीजिए। परफेक्ट है भाई, मजेदार। क्या नाम क्या भैया, आप नाम तो दो। विरोधिया हूँ और ये बड़े वाले भाई। अरे वाह, परफेक्ट है भाई। 10 मिनट की वेटिंग है, कोई वेटिंग नहीं। ये देखो भाई साहब, इसको भी ढक दिया बढ़िया तरीके से, ये हो गया है तैयार। अब ये ग्रिल के अंदर जाने के लिए, अब एक मेन इम्पोर्टेंट काम इसके ऊपर लगाया जाएगा जी बटर, और वह बटर देखना कितना बढ़िया तरीके से होगा, और फिर ग्रिलर के अंदर जाएगा जब तक कि बढ़िया से सुपर क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये देखो भाई साहब, ये लग रहा है जी बटर, ये लिक्विड बटर है पूरा, और सैंडविच चला गया जी ग्रिलर के अंदर। आप बटर देखो भाई, ये देखो ट्रिपल लेयर्ड सैंडविच है, जो कि अभी प्लेट में जब उतरेगा ना तब आप देखोगे भाई कि एक्चुअली में ये बाहुबली सैंडविच, या फिर मैं बोलूं मेरे हिसाब से तो ये तो भाई इंडियन निंजा है सीरियसली। कितनी स्पीड में लगा रहे हैं, हर एक चीज इतनी स्पीड में कर रहे हैं। ये गया जी अंदर,
अब ये जब बाहर निकलेगा उसके बाद इसकी कटिंग देखोगे ना तो बस दीवाने हो जाओगे। तो ये देखो भाई साहब तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि अब प्लेटों में लगने वाला है। और ये देखो भाई इंडियन फूड निंजा भाई साहब मदुरा सैंडविच जो कि इंदौर के अंदर है, काफी फेमस अपने सैंडविच के लिए। सिर्फ एक ही तरीके का सैंडविच मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और स्पीड देखो भाइयों की, और भाई साहब भीड़ तो मैंने आपको दिखाई दी है, हर एक बंदा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। और ये एक सैंडविच जो आप देख रहे हो ना, ये तकरीबन मेरे जैसे भुक्कड़ कम से कम दो बंदे खाएंगे, अदरवाइज तीन से चार बंदे आराम से खा सकते हैं। बट सीरियसली इट्स टू गुड। और भाई ये भाई अभी ये पूरा प्लेट ये देख रहे हैं नीचे रख रहा है, इसे कहते हैं भाई फूड सैंडविच, रियल सैंडविच। अभी ये सिर्फ हल्का सा टॉपिंग हुआ, अभी तो देखो उसके ऊपर क्या क्या चीजें डलेगा। टैग करो उस दोस्त को जो इंदौर में और उसने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, और तो और उसको भी टैग करो जो इंदौर आने वाला है स्पेशली फॉर फूड। ये देखो ये सेव वगैरह डल चुका है और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए। आप देख सकते हो पहले मैंने आपको दिखाया कि स्टफिंग वगैरह कैसे करते हैं, फिर उसके बाद ग्रिल करते हैं मक्खन लगा के बढ़िया से। तो भैया स्विगी जोमेटो में भी आप? नहीं सर, जरूरत तो नहीं है, मेरे को लग भी नहीं रहा। और अगर पहले थे अब बंद कर दिया। और शॉप सुबह कितने बजे खुलता है सर? कस्टमर के लिए 12 से 2 रात को 11 तक होता है। ओ भाई साहब चीज की बारिश हो चुकी है भाई बढ़िया तरीके से, भला आप ओवरलोडेड सैंडविच बोलेंगे सर, ओवरलोडेड। बट मैंने भैया को नाम दिया है द रियल इंडियन फूड निंजा एट मधुराम सैंडविच। सीरियसली ये निंजा की तरह ही कटिंग करते हैं, निंजा की तरह ही इनकी स्पीड है सीरियसली। और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। पर आप अभी पहले देखो ये तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि तो इसमें भी बहुत सारी चीजें डलनी है। अगर मैं तेरे को दिखाऊं ना, देख टॉपिंग देख, चटनी देख, सब कुछ मूंगफली वगैरह सब पड़ी है। देख ये देख, ओ स्वीट कॉर्न उबल के आ रहा है बेटा, स्वीट कॉर्न भी डाल रखे हैं, ऊपर से मेयोनीज डाल दिया है। भैया कितने साल हो गए? 16 साल चल रहा है। और चौथी पीढ़ी है, मतलब हमें तो अब पता चल रहा है सब सैंडविच मिलता है। सीरियसली कह रहा हूँ भाई, मतलब तब सैंडविच ही करते थे वो भी? दादाजी के पिताजी, हाँ जी, मिठाई का करते थे। अच्छा, दादाजी ने चाय कचौरी कर दिया। अच्छा, पहले कचौरी और सैंडविच की शुरुआत उन्होंने की। भाई दाद देनी चाहिए भाई, सीरियसली कह रहा हूँ। बट इट्स रियली अमेजिंग, आप देख सकते हो ये तो बाहुबली सैंडविच बन चुका है हमारे लिए। 43 नॉट लेस देन बाहुबली, कैश बजाऊंगा। परफेक्ट, ये पूरा डन हो चुका है। और आप देख रहे हो कि टोकन से ही मिलेगा यहाँ पे, चाहे आप किसी मिनिस्टर को ले आओ चाहे सीएम को ले आओ। 48 लीजिए जनाब, सैंडविच आ चुका है। दिस इज ह्यूज यार, एक्चुअली में ह्यूज, मतलब ये एक अकेले बंदे का नहीं है, ये दो बंदों का नहीं है, ये तीन से चार बंदों का काम है। कभी यहाँ पर आए तो ये मधुराम सैंडविच जरूर ट्राई करना और हमें बताना कि कैसा लगा।